क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? मैम, बैक टू बैक शादी, यहाँ पार्टियाँ हो रही हैं, खाना तो खाना पड़ता है। अब खाना देख के कौन रुकेगा, तो डर सा लगता है कि हेल्थ भी इशू भी है, और डाइटिशियन भी कहती है कि कितना आप वेट बढ़ा रहे हो, उस वक्त की वजह से थोड़ा टेंशन है कि वेट को लेके। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार, आप सत श्री अकाल दोस्तों, मैं डॉक्टर शाइस्ता खान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ये वीडियो भी जरूर इंजॉय करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। गाइस, एक चीज जो आप सब भी कई बार इस फेज से गुजरे होंगे, कई बार मैं भी इस तरह की चीजें सोचती हूँ ऑफकोर्स, और जो भी इंसान अपने आप को मेंटेन करना चाहता है, वो चाहता है कि हमारी टमी बाहर ना निकले, हम अचानक से मोटे ना हो जाए, या फिर स्पेशली वो लोग जो किसी स्पेशल डाइट पर हैं और वो नहीं चाहते कि उनका वजन बढ़े। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा, जब भी हम कोई कसम खाते हैं, हम कोई प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब हम मोटे नहीं होंगे, हम पतले होके दिखाएंगे, अब हम बदपरहेजी नहीं करेंगे, उसी टाइम घर पे कोई शादी का कार्ड आ जाता है, कोई ऐसी पार्टीज आ जाती हैं बैक टू बैक, या फिर हमारी कोई ऐसी वेकेशन निकल आती है कि हमें फिर बाहर जाना ही पड़ता है, और कुछ ना कुछ ऑफकोर्स, जब आप शादी ब्याह में जा रहे हैं, आप पार्टीज में जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप परहेज रख ले या आप अपनी डाइट मेंटेन कर ले? बहुत मुश्किल है, कुछ ही लोग इसको फॉलो कर पाते हैं। और होता है क्या है कि अगर हम कुछ नहीं खा रहे हैं तो जो हमारे प्यारे प्यारे रिलेटिव्स होते हैं वो रसगुल्ला ला ला के और गुलाब जामुन ला ला के हमें कहते हैं, बेटा एक तो खानी पड़ेगी, आप शादी में आए हो, ऐसे कैसे बिना खाए कैसे जा सकते हो? तो आई होप आप सभी रिलेट कर पा रहे होंगे और ये सिचुएशन सबके साथ होती होगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है गाइज। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक सिंपल सा नुस्खा, जिसको सुनकर आप कहेंगे काश ये हमें पहले पता होता। तो रिसेंटली जो हमने भी पार्टीज अटेंड की है उसमें हमारे जो एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हुआ है उससे हम लोग बच जाते हैं, राइट? तो बिना समय व्यर्थ किए मैं बता देती हूँ आपको कि क्या करना है। आपको बड़ी सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना मत शुरू कर दीजिएगा कि चलो अब ये खा लेते हैं तो अब ये नुस्खा तो बता ही दिया है। ऐसा भी मत कीजिएगा, क्योंकि अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है, राइट? तो कोशिश कीजिए कि जब कभी भी आप चीटिंग कर रहे हैं, लाइक आप शादी में जा रहे हैं, आप किसी पार्टी में चले गए हैं, या आप कहीं छुट्टियां मनाने गए हैं और वहां पे आपने अच्छे से बदपरहेजी करी है, तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप कभी चीटिंग कर रहे हैं, लाइक आप शादी में जा रहे हैं, कहीं पार्टी में गए, कहीं वेकेशन पे गए और आपने जम के बदपरहेजी कर ली और आप एक गिल्ट फैक्टर में आ गए कि यार अब तो बदपरहेजी हो गई है तो अब हमारी डाइट का क्या होगा, या जो हम डाइट फॉलो कर रहे थे, या अब एक्स्ट्रा फैट तो नहीं बढ़ जाएगा, तो उसके लिए यह फॉर्मूला है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आपको डायबिटीज है तो जम के मीठा खा रहे हैं, या आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपने जम के नमक वाली चीजें और तली हुई चीजें खानी शुरू कर दी है। ये गलती मत कर दीजिए गाइस, और ना ही मैं आपको इस चीज के लिए अप्रोच कर रही हूं। यहां पे मैं आपको जो नुस्खा बता रही हूं वो एक्स्ट्रा फैट कम करने का बता रही हूं, राइट? तो क्या करना है उसके लिए, दो ही इंग्रेडिएंट है वो आपको यूज करने होते हैं। आपको लेनी है 5 काली मिर्चें, जी हाँ काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, और 5 ही सफेद मिर्च यानी दखनी मिर्च जिसको बोलते हैं, आप सभी जानते भी होंगे, जिसको व्हाइट पेपर के नाम से जाना जाता है, ठीक है? 5 और 5 10, इनको अच्छे से कूट लेना है आपको। कूट के इतना कूटना है कि पाउडर फॉर्म में हो जाए, इनको साबुत नहीं खाना है, इनको पाउडर फॉर्म में कर लीजिए। जब आप इसको पीस लेंगे तो आपको आधे से कम चम्मच एक पाउडर मिल जाएगा, दोनों का ही मिला हुआ। आपको सिंपल एक चीज करनी है, जब कभी भी आपकी पार्टीज वगैरह वेकेशन खत्म होते हैं और आपको अगली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो सुबह खाली पेट इसका सेवन कर लीजिए और ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। आप देखेंगे कि जो भी एक्स्ट्रा आपने फैट या कोई भी तली हुई चीजें या कोई भी ऐसी चीज खाई है जिससे आपके शरीर में फैट जमा हो रहा है, आप यकीन मानिए गाइज, वो फैट पिघल के बाहर आ जाता है, स्टूल के जरिए या यूरिन के जरिए या स्वेट के जरिए। आप सोचेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है गाइस, क्योंकि ब्लैक पेपर में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन B6, विटामिन A, विटामिन C, राइबोफ्लेविन। साथ ही साथ अगर मैं व्हाइट पेपर की बात करूं तो व्हाइट पेपर में बहुत अच्छी मात्रा में कैप्सिसिन तत्व मौजूद होता है जो हमारे शरीर से चर्बी को पिघलाकर बाहर करने में मदद करता है। ये दो इंग्रेडिएंट गाइस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे कभी भी अगर आप अपनी चीट मील वगैरह लेते हैं या आप खाने में चीटिंग करते हैं तो।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर रही हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा पर्सन हो जो शादी में या कहीं वेकेशन पे जाके इस तरह की बदपरहेजी नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्लीज अपना ख्याल रखें, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।